Hey guys, welcome to my new blog. आज की ब्लॉग शाम से शुरू हो रही है। शाम से शुरू हो रही है। गाइस आजकल का शेड्यूल इतना टाइट हो जा रहा है कि बिल्कुल कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो गाइस आज ये है कि हमारी माता श्री जो जा रही हैं गाँव और इनको है शुगर और ये पीछ भी रही है। बच्चों को नहीं देखा? हाँ देखा। देखिए एक पीज और पीने वाले 1 2 3 4 5 देखिए आप नहीं है वो आते समय ले आऊँ। पीज एक पीने वाले 4-5 लोग खड़े हैं। ये एक्चुअली मम्मी पापा को जब गैस बनती है तो एक पीज पी लेते हैं और रिलैक्स हो जाता है। इनको भी गैस की सबसे ज्यादा परेशानी है। रड़ रड़ ऐसे करती है मैडम। मेरे मदद से निकाल चक्कर दिखाओ। ओला आएगा हैं ना? ओला आएगा यहीं पे। सो गाइस करने जा रहे हैं ओला बुक क्योंकि स्कूटी में तो नहीं हो पाएगा और फोर व्हीलर जो है अभी हमको आता नहीं है। ड्राइविंग सीख रहा है। बाबा को आता है ना तो बाबा थोड़ी गाड़ी लेके जाएगी। अब फिर लेके कौन आएगा वहां पे? ये कैसे बाल बनाए इधर कैसे? देखो आपको फ्राइड राइस रेडी है। देखो ना खा ले ये लोग। नहीं खाना। अरे रुके थोड़ी देर रुक जाइए यार। नहीं खाओगे? तो गाइस गांव इसलिए जा रहे हैं लोग जैसे पितरों की जो पूजा होती है वो हर बेटे को करना पड़ता है। जो अपने पूर्वज होते हैं उनको शांति मिले और घर में सुख शांति बनी रहे और उनको भी परिवार के बंधन से छुटकारा मिले। जैसे कहते हैं कि मरने के बाद भी वो लोग मतलब कि परिवार से जुड़े रहते हैं जब तक पितर की पूजा ना हो। इन लोगों का कहना है, इसके बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। तो वही जा रहे हैं लोग करीबन 15 तारीख के बाद से वो लोग जाएंगे गया जाके फिर अपनी पूजा वूजा जो भी है जैसे भी है प्रोसेस है करेंगे। घर का सबसे बड़ा बेटा होता है वो जाता है तो बड़े बेटे गांव में हैं उनसे बोला जाएगा अगर वो मानेंगे जाएंगे तो वो जाएंगे और नहीं तो फिर पापा जाएंगे। तो गाइस ये लोग रेडी हो गए हैं लगभग। थोड़ी देर में ओला को बुक करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस जैसा मैंने बताया था कि मम्मी पापा जा रहे हैं गांव तो स्टेशन में हम लोग आ चुके हैं। प्रयागराज स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6। छोटा भाई भी जा रहा है गांव है। तो सुबह 4 बजे का इसका टाइमिंग है। जिंग ऐसी रहती है कि उतरने में बड़ी परेशानी होती है। अगर आदमी सोया रह गया तो सीधे गोरखपुर पहुँच जाएगा फिर वहाँ से आने में पूरा दिन भर निकल जाएगा क्योंकि वहाँ से रिटर्निंग में ट्रेन बहुत कम होती है। बट फिर भी अब गर्मी का समय चल रहा है तो सुबह 4 बजे एकदम उजाला हो जाता है। कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। टाइमिंग है इसका करीबन 9 बजे। 9 बजे यहाँ से चल देती है। हम लोग 8:30 बज रहा है पहुँच चुके हैं स्टेशन पे। मोबाइल का रिचार्ज नहीं हुआ। रिचार्ज पूछ रहे 4 बजे फ्लेट आता है स्टेशन मालूम है गोरखपुर पहुँच गए। सो गाइस ट्रेन आ चुकी है अब इसमें बैठा देंगे इनको फिर हम निकलेंगे। चलो उठा। सो गाइस ट्रेन में आ गए अंदर और नीचे की दोनों सीटें ना बैठो बोला मैं आगे जाते नहीं तो वैसे ही रहने दो यार। हाँ वैसे ही रहने दो। आधे तो हो गए तब चाल में नहीं होगा। अब 9 बज गया है सोना है। सुबह सुबह 4 बजे निकल जाना है उतर जाना है। चलो ठीक है डालना। अच्छा ठीक है जी। गाइस सीट पे बैठा दिया है लोगों को। अब सुबह 4 बजे ट्रेन पहुंचेगी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 4 बजे अगर नींद आपकी लगी रही तो समझ लीजिए सीधे गोरखपुर पहुंच जाएंगे आप।
इसलिए जगना पड़ेगा पहले से ही। और 4 बजे उतरना है तो मतलब कि आदमी 2:30-3 बजे से जगना स्टार्ट हो जाता है और नींद भी पूरी नहीं हो पाती। सो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से क्योंकि लेट हो रहा है, मुझे भी जाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। गाइस आ चुके हैं ट्रेन में छोड़ के उनको, और अब थोड़ा बदमाश कंपनी को पढ़ाएं क्योंकि पापा मम्मी के जाने के उसमें ये लोग पता नहीं होमवर्क किए हैं कि नहीं किए हैं, चेक करना पड़ेगा। किए हैं हाँ। अच्छा पूरा कर लिए हो? टीचर पढ़ाते थे ना, टीचर के नाम। सो गाइस इनको पढ़ाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। क्या कर रहा है भैया? क्या कर रहा है भैया? बुद्धि कर रहा है, रुको हम भी कर रहे हैं। लो आप मिल के करो, मिल के करें, मिल के करें, आप मिल के मिल के मिल के करो लात मार रहा है, करो ओके बस बस करो मस्ती कर दी। तो गाइस कर रहे हैं हम सोने की तैयारी। ये देख लो मैडम आपकी चादर, सुभांश आपकी चादर, शिवांश आपकी चादर, ओके। और ये पापा का बिस्तर नीचे रखने जा रहा है, है ना, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। चलो ये पापा की चादर, चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो चलो ऊपर चलो, जाके उस रूम से पापा का एक पिलो ले गया, जाओ एक पिलो ले गया। उठो नहीं सुबह स्कूल जाना। तो गाइस होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज चैनल पे नया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thank you. Good night.